हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू अवर व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर की रेसिपी। इसके लिए मैंने सामान तैयार कर लिया है, तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से बनाते हैं आलू मटर की रेसिपी। सबसे पहले हम गैस पर बर्तन चढ़ाएंगे और गैस ऑन करेंगे, फिर हम इसमें 2 कड़छी तेल ऐड करेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक ये चटकने ना लग जाए। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च ऐड करेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये हल्के गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। प्याज को हल्का ब्राउन होने के बाद हम इसमें साथ ही मटर ऐड कर देंगे ताकि मटर भी साथ ही फ्राई हो जाएं और जो प्याज थोड़े बहुत रह गए वो भी साथ फ्राई हो जाएं। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको कुकर की लिड से कवर कर देंगे ताकि मटर फ्राई होने के बाद उछलकर बाहर ना आए। 2 मिनट के बाद हम कुकर की लीड उठाएंगे और देखेंगे कि मटर अच्छे से पके हैं कि नहीं। मटर और प्याज से सारा ऑयल सेपरेट हो चुका है, इसका मतलब मटर पक चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड करेंगे, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ 1 चम्मच कर रही हूँ। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आप कितना तीखा खाते हैं कितना नहीं खाते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले सब्जी में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और जो हल्दी और मिर्च हैं वो भी अच्छे से थोड़ा सा पक जाएँ। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक सब्जी के साथ सारे मसाले अच्छे से मिक्स ना हो जाएं। इसको तब तक हम चलाएंगे। अब हम इसमें अपनी सब्जी के अकॉर्डिंग वाटर ऐड करेंगे, जितनी हमारी सब्जी है उसके अकॉर्डिंग हम वाटर ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा तरी पसंद है तो आप उस अकॉर्डिंग ज़्यादा वाटर डाल सकते हैं। तो हमने अपनी सब्जी के अकॉर्डिंग भी वाटर डाला है, आप भी ऐसे डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम कुकर की लीड को बंद कर देंगे और 2 सीटी लगाएंगे। कुकर की 2 सीटी लग चुकी थी, मैंने इसका प्रेशर साथ के साथ ही निकाल दिया। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आलू मटर की रेसिपी तैयार है, अब हम इसको बाउल में शिफ्ट करेंगे। लास्ट में गार्निशिंग के लिए हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी आलू मटर की सब्जी रेडी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी, आप हमारी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।